शहर के वार्ड नंबर 11 भीमनगर में सड़क और नाली का निर्माण अब तक नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों के हस्ताक्षर हेतु एक आवेदन झामुमो जिला अध्यक्ष के नाम तैयार किया गया, जिसमें नाली और सड़क बनवाने की मांग की गई। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में गणेश पांडे के घर से सामुदायिक भवन होते हुए गोपाल दास एवं अर्जुन दास के घर तक सड़क नहीं रहने से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। वहीं नाली नहीं रहने से घरों और बरसात का पानी सड़कों पर जमा रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों पर हमेशा गंदे पानी बहने के कारण लोग बगल में मंदिर रहने के बावजूद भी जाना आना नहीं कर सक रहे हैं। खासकर बरसात के मौसम में लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है। बताया गया कि सैकड़ों बच्चे रोज इसी सड़क मार्ग से स्कूल जाते हैं। रोज कोई न कोई बच्चे गिर कर घायल हो रहे हैं। बताया गया कि सड़क का पानी घर में भी आ जा रहा है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है। बताया गया कि सड़क और नाली निर्माण से संबंधित आवेदन कई बार संबंधित विभाग के कार्यालय में दिया जा चुका है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने सदर विधायक से मांग करते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सड़क और नाली का निर्माण कराया जाए। मौके पर दिलीप दास, सूरज दास, मुन्ना दास, सोनू दास, विजय दास, बंटी दास, मनोज दास, संजय दास समेत महिलाएं व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। कचरा में पार आ रहा हो या नली है, मतलब ना हो कुछ नहीं, सब पूजा पाठ करने में दिक्कत हो जब कदावे में जाए नली मंदिर ऐसे कचड़वे में जाए और पूजा पाठ करके आवे सब आदमी। हमने नाली इतना जे के गुस्की खानदान खत्म भेलो तकर देने नलिये ने बनो जे काल बसलो तकर देने देखे हवेली बस गिरो एकदम पूरा रोड दलको नली बनाए सरकार की अंधार है। सब गोटे के हम बना देबो हम बना देबो हम बना देबो। वोट के समय लोग आते हैं हल्ला कर देंगे, चिल्ला कर देंगे, ढेकना कर देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद वो अपने घर में, हम लोग अपने घर में। आप जाइए या ना जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दौड़ते रहिए, कोई आपका काम होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग हरिजन मोहल्ला से आते हैं, रविदास बस्ती से आते हैं, जो शुरू से हम लोग को इग्नोर किया गया है और आज भी इग्नोर कर रहा है। देखिए जिस तरह से पानी का बहाव हो रहा है, उस तरह बीमारी फैल रहा है, कई लोग बीमारी से ग्रसित है। यहाँ कमाने खाने वाले लोग हैं, बगल में मंदिर की भी व्यवस्था है, लेकिन कमाने खाने वाले लोग हैं, कितना दौड़ धूप करेंगे। ये वार्ड पार्षद जो है उनको सोचना चाहिए कि वहाँ के लोगों की व्यवस्था को देखा जाए। कई बार लिखित आवेदन भी पड़ा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। झारखंड हेमंत सोरेन बोलता है, जो कि 1932 का खतियान, 1932 के खतियान छोड़िए, 1910 का खतियान देने के लिए तैयार हैं। हम लोग इतना पुराना बसिंदा यहाँ का है, जो कि अभी तक हम लोग का गांव में कोई तरह का विकास नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा समस्या ये है नाला और रोड, जो कि बच्चा लोग हमेशा स्कूल आना जाना सुबह शाम करता है, जिस टाइम देखिए उस टाइम एक ना दो को बच्चा गिर जाता है रोड पर। उसके बाद विधायक जी सुदीप कुमार सोनू जिस टाइम खड़ा नहीं हुआ था, उस टाइम वो बोला था कि अरे बाबू तुम लोग हमको वोट दो, उस टाइम हम नाला बना देंगे, जो कि अभी तक नाला नहीं बना है यहाँ पर। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है, तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह।